Assalamu students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know you are in grade 10 and you are uh, covering this levels of Computer 10 National Book Foundation. So today we are going to discuss our lecture. So let's get started. As you know, we are on chapter number one programming techniques and we have already discussed the understanding the problems algorithms. So today we are going to discuss flowcharts. Okay, और लेक्चर नंबर थ्री इज बेस्ड ऑन फ्लो चार्ट द फ्लो चार्ट द फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलगोरिदम ठीक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम का मतलब ये कि कभी आपके पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं जिनको आप एल्गोरिजम के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड नहीं करते ठीक है सो आप क्या कहते हैं डायग्राम्स बनाते हैं फ्लो चार्ट बनाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स uh, में कोई टॉपिक पढ़ते हैं या बायो में कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो वो तो लिखा तो थ्योरेटिकल होता है हमारे पास सारा लेकिन अगर आप उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें डायग्राम के थ्रू उसको पढ़ें तो वो ईजिली अंडरस्टैंड हो सकता है ठीक है सो इसी वजह से जो हमारे पास फ्लो चार्ट होते हैं वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी एलगोरिदम्स की ठीक है क्यों क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको हम थ्योरेटिकली जो है वो अंडरस्टेंड नहीं कर सकते हैं। सो हमारे लिए इजी क्या होता है कि हम जो है वो डायग्राम बनाए और उसको समझें इट डिस्क्राइब वट ऑपरेशन आर रिक्वायर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन होता है जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम है फाइन फैक्टोरियल गिवन नंबर ठीक है सो इसके लिए हमें क्या क्या ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगे ठीक है उनको रिप्रेजेंट uh, करता है डिस्क्राइब करता है ये ठीक है वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट इलेस्ट्रेट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म टू सोल्व अ प्रॉब्लम इन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम ठीक है जैसे हम एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एलगोरिदम्स यूज करते थे ठीक है थोरिटिकल फॉर्म में इसी तरह हम क्या करते हैं फ्लो चार्ट क्या चीज करता है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं प्रॉब्लम में ठीक है उनको हम डायग्रामेटिक जो है ना फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं ठीक है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ड्रॉ फ्लो चार्ट बिफोर राइडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्रामर्स क्या करते हैं फ्लो चार्ट जो है वो बन आ, जो है ड्रा करते हैं ठीक है सो so, उनके लिए इजी हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम में आ, अगर कोई सोल्यूशन उनको मिल जाता है ठीक है सोल्यूशन ईजिली वो कट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ, आ रही है कोई एरर आए तो वो भी वो फ्लो चार्ट के थ्रू इजिली उसको जो है क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सो फ्लो चार्ट ड्रा करने के हमारे पास बेनिफिट्स क्या होते है? कि it, it problems, हैं कि इट प्रोवाइड एन ईजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ठीक है आपके पास प्रॉब्लम्स हैं कोई भी प्रॉब्लम जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम है फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर तो जब हम फ्लो चार्ट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें हमें इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड करना ईजी हो जाएगा उसको एनालाइज करना ईजी हो जाएगा एनालाइज का मतलब ये कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम अगर मैं इसको एनालाइज करना स्टार्ट करूँ तो मुझे पता है कि इसमें मुझे अब क्या चीज फाइंड करनी है फैक्टोरियल कोई भी आपको नंबर दिया जाएगा उसमें आपने फैक्टोरियल फाइंड करना होगा ठीक है नेक्स्ट है वंस द फ्लो चार्ट इज ड्रॉन इट बिकम वेरी इजी टू राइट द प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है जब आप एक आ, जो है फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको ईजिली लिख सकते हैं ठीक है कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज होगी ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बायोलॉजी की एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है तो बायो में क्या होता है कि बहुत एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होता है ठीक है या थ्योरेटिकल टॉपिक होता है जिसको आपको याद करना होता है ठीक है आप कॉम्प्लेक्स होता है आप उसको समझने के लिए आप क्या करते हैं उसमें फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं हाँ जी फर्स्ट फर्स्ट स्टेप ये है सेकंड स्टेप ये, ये है थर्ड स्टेप ये जब वो स्टेप्स आप इजीली लिख लेते हैं परफॉर्म कर लेते हैं ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है एरो के थ्रू बोल कर लेते हैं ठीक है कि इसके बाद ये आएगा इसके बाद ये आएगा ठीक है तो जब आप उसको किसी भी कम कभी भी आप खुद लिखना चाहें तो आप इजीली उसको राइट कर सकते हैं सेम इज फॉर एल्गोरिदम्स कि एल्गोरिदम्स को आप फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं और उस और उस फ्लो चार्ट के थ्रू आपके लिए इजी हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन को फाइंड करना ठीक है अब जब आपको एक दफा पता लग गया कि इस प्रोग्राम में ये ये प्रोसेस ये ये ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो रहे हैं फिर आप उसको किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में ईजिली लिख सकते हैं ठीक है इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर कम्युनिकेटिंग इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड्स टू अदर पीपल्स ठीक है फिर आपके लिए ईजिली हो जाता है कम्युनिकेट करना ठीक है इट्स फ्लो चार्ट के थ्रू ठीक है आपको प्रॉब्लम का uh, सब ऑपरेशन पता है आप किसी दूसरे बंदे को इजीली बता सकते हैं कि भाई इसमें हमें ये ये प्रोसेस जो है या ये ये ऑपरेशन या ये वाले स्टेप्स हमें इसमें परफॉर्म करने पड़ेंगे ठीक है तभी जाके हम एक एक प्रॉब्लम को हाई लेवल लैंग्वेज में या किसी भी लेवल किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं ठीक है इट ऑल्सो हेल्प इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स ठीक है जब आपको आपके पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ होगा तो आप इजिली जो है कम्प्यूटर तो प्रोग्राम्स अगर आप लिख रहे हैं तो आप इजिली उनमें से एरर्स को क्या कर सकेंगे पता आपको लग जाएगा कि इसमें ऐसे एरर आ सकता है ये अगर प्रॉब्लम मैं कर रहा हूं तो कहीं इसमें ये वाला एरर तो नहीं है ठीक है सो so वो पहले से आपके पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनी हुई होती है किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए वो आपके लिए इजी हो जाता है समझना उसको पढ़ना ठीक है स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट ठीक है हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए जब हम फ्लो चार्ट को ड्रा करते हैं तो किन स्टेप्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है ठीक है इनपुट टू बी फ्लो चार्ट ठीक है आप जैसे हम एल्गोरिदम में इनपुट देते थे सेम एज इट इज फ्लो चार्ट में भी आपने एल्गोरिदम इनपुट uh, जो है वो देने होंगे ठीक है टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड किस टाइप की प्रोसेसिंग चाहिए ये आपने इसको ड्रा करने के लिए आपके पास एक जो है वो सिंबल होता है ठीक है प्रोसेसिंग के लिए कि हमें ये मैं प्रोसेस Uh, जो है वो परफॉर्म करना है ठीक है नेक्स्ट है डिसीजन टू बी टेकन डिसीजन अगर आपने देखा हो तो आप एल्गोरिदम्स में जैसे ये देखते थे इफ इफ के इज लेस देन एन इक्वल टू एन ठीक है सो ये हमारे पास क्या होते हैं डिसीजन ठीक है Decian, ये हमारे पास क्या होते हैं डिसीजन ऑपरेशन होते हैं ठीक है सो so, आपने डिसीजन बनाना होता है उसके लिए भी आपको एक अलग से सिंबल चाहिए होता है ठीक है सो जब भी आप फ्लो चार्ट बनाएं ड्रॉ करें ठीक है तो आपको एक इनपुट के लिए प्रॉपरली जो है ना वो एक सिंबल दिया जाता है ठीक है अगर आप उससे हट के जो है कोई और सिंबल यूज कर लेते हैं तो वो फिर गलत हो जाता है ठीक है आपने एल्गोरिदम्स में दिखाए थे कौन कौन सी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है जैसे हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या है क्या चीज रिक्वायर्ड थी प्रोसेसिंग में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम वन टू टू द गिवन नंबर ठीक है सो ये हमारे पास किस टाइप की प्रोसेसिंग है वो होती है डिसीजन टू बी टेकन इफ के इज लेस देन एन इक्वल टू एन ठीक है सो so, ये के इज लेस देन इक्वल टू एन ये हमारे पास किस चीज में आती है डिसीजन में ये चीज आता है ठीक है लास्ट स्टेप इज द आउटपुट टू बी प्रोड्यूस आफ्टर प्रोसेसिंग ठीक है जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं ठीक है तो आउटपुट आपने यूजर को मस्ट देनी होती है आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो इनपुट ले रहा है पर उसमें आउटपुट की जरूरत होती है जैसे प्लस कर रहे हैं टू प्लस फाइव उसने इनपुट ले लिया इसके आउटपुट क्या होगी हमारे पास सेवन तो आपने इस आउटपुट के बारे में भी जो है बताना है ठीक है प्रोड्यूस मतलब ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि आउटपुट भी प्रोड्यूस हो ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट इनपुट द फ्लो चार्ट डिवेल्प मस्ट नो फ्लो चार्ट डिवेल्पर मस्ट नो वट एग्जैक्टली द इनपुट टू द फ्लो चार्ट इज ठीक है जब आप इनपुट एंटर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं ठीक है नेक्स्ट द इनपुट ज डिटरमाइन फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है आप वहां से इनपुट को इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द गिवन प्रॉब्लम इज टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फेर एंड हाइट टू सेल्सियस आपके पास ये क्या है एक प्रॉब्लम है ठीक है प्रॉब्लम में आपने क्या करना है कि टेम्परेचर को फेर एंड हाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है ठीक है अब इन्होंने ये बताया है कि इनपुट जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डिटरमाइन होनी चाहिए तो हमारे पास यहां पे इनपुट में क्या होगा फेरन ठीक है द इनपुट विल बी टेम्परेचर इन फेरन मतलब ये कि मुझे यहां पे इनपुट क्या मिलेगी कि मुझे फेरन के टेम्परेचर की जरूरत है ठीक है अगर फेरन के टेम्परेचर में लिखूंगी तो ही मैं उसको इजिली सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकूंगी ठीक है Next is processing the flowchart developer must decide what type of calculations to be performed or which is to be applied to obtain the required रिजल्ट ठीक है प्रोसेसिंग में आपको पता है चाहे आप प्लस करें एवरेज आव, फाइंड करें माइनस करें डिवाइड करें आपको उसके लिए प्रॉपरली एक फार्मूले की जरूरत होती है जैसे आपने फेरन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो आपको इसके फार्मूले की जरूरत होती है ठीक है सो so, हमें ये डिवेलपर को ये चीज पता होनी चाहिए कि जब वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है ठीक करना चाह रहा है ठीक है तो हमें उसके लिए कौन से फॉर्मूले फार्मूले अप्लाई हमें कौन सा फार्मूला चाहिए होगा जिसके थ्रू हमें क्या चीज मिल सके रिजल्ट मिल सके ठीक है जैसे टू तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो हमें पता चल गया हमने क्या चीज फाइंड करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है सो तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पता नहीं होगा तो प्रोसेसिंग तो नहीं हो सकेंगे ठीक है सो प्रोसेसिंगली प्रोसेसिंग जो होती है ना वो बेसिक रिलेटेड टू योर फॉर्मूलाज होती है ठीक है जो भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ही प्रोसेसिंग परफॉर्म हो सकेगी ठीक है जैसे एरिया हमारे पास है एरिया को फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ और डिवाइड कर देंगे इसको टू के साथ ठीक है सो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रोसेसिंग में अप्लाई होगा नेक्स्ट हमारे पास होता है डिसीजन द फ्लोच आर डिवेलर मस्ट डिसाइड विच कंट्रोल स्ट्रक्चर ठीक है हमारे पास थ्री टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं सीक्वेंस रेपिटेशन एंड सिलेक्शन ठीक है ये चीज याद रखिएगा ठीक है आर टू बी अप्लाइड फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम्स दिए थे और हमने हर एल्गोरिदम में किसी एल्गोरिदम में हमने सिक्वेंस को अप्लाई किया था किसी एल्गोरिदम में हमने रेपिटेशन को अप्लाई किया था किसी एल्गोरिदम में हमने सिलेक्शन को अप्लाई किया था सो so, डिवेलपर को यह चीज पता होनी चाहिए कि जब वो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो लिख रहा है ठीक है तो उसमें उसको किस टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर की जरूरत होगी ठीक है बात याद रखेगी वहां पर थ्री टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर है सीक्वेंस रेपिटेशन एंड सिलेक्शन हर कंट्रोल स्ट्रक्चर का अपना एक बेसिक पर्पज होता है ठीक है सो so, एल्गोरिदम जितने भी हमने पढ़े हमने उनमें सीक्वेंस को भी अप्लाई किया है हमने उनमें रेपिटेशन को भी अप्लाई किया सिलेक्शन को भी अप्लाई किया ठीक है सो जैसे जैसे आप जो है वो आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो आप इन चीजों को और क्लियरली समझ सकेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन स्ट्रक्चर मस्ट बी अप्लाईड टू प्रिंट लेटर ग्रेड्स ए ऑफ द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ ठीक है बेसिकली आप ये चीज याद रखेंगे जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है ना वो इफ की स्टेटमेंट्स में यूज हो रहा होता है तो अगर आपने आपने एल्गोरिदम एक पढ़ा था जिसमें ग्रेड को प्रिंट करना था ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ठीक है अगर एट्टी परसेंट है नाइन्टी परसेंट है तो ग्रेड ए को प्रिंट करो ठीक है सेवेंटी परसेंट है तो अगर नाइन्टी परसेंट से अबव है तो ए प्लस प्रिंट हो नाइन्टी परसेंट से बिलो लाइक एटी सेवेंटी परसेंट है तो ए ग्रेड प्लस करो ठीक है तो ये सिलेक्शन ये स्ट्रक्चर थे जिसमें हम सिलेक्ट करते थे इफ की स्टेटमेंट यूज हो रही होती है ये चीज याद रखेगा कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम इफ की स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे होते हैं ठीक है मैं आपको एक दफा ये एल्गोरिदम दिखा भी देती हूं ताकि आप इजीली जो है ना समझ सकें कि मैं क्या चीज कहना चाह रही हूं इस एल्गोरिदम को देखें जिसमें हमने इफ की स्टेटमेंट्स को यूज किया था सो इफ बेसिकली क्या चीज है सिलेक्शन के मतलब हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि अगर सेवेंटी मार्क्स हो तो उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रेड जो है वो सिलेक्ट हो सो द सिलेक्शन स्ट्रक्चर विल चेक इन द रेंज द मार्क्स फॉल एंड अकॉर्डिंगली प्रिंट डे ठीक है उस एक रेंज चेक करेगा कि किस रेंज में वो मार्क्स लाए कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या चीज आपको प्रिंट प्रिंट हो जाएगा ग्रेड प्रिंट हो जाएगा ठीक है सो so, ये तो था हमारे पास स्टेप्स ऑफ फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट मतलब ये कि जब आप फ्लो चार्ट को ड्रॉ करें तो आपके पास इनपुट होनी चाहिए ठीक है इनपुट के लिए हमारे पास एक अलग से सिंबल होता है ठीक है जब भी आप एल्गोरिदम लिखते हैं आप वहां पे इनपुट को जो है बताते हैं क्या इनपुट है यहाँ पे ठीक है लेकिन कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जहां पे इनपुट नहीं होती क्योंकि उसमें ऑलरेडी रूल को डिफाइन कर दिया जाता है कि बस आपने ये जो है ना प्रिंट करवाने हैं ये और नंबर्स को प्रिंट करवाना है जो है इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो वहां पे हमारे पास जो है ना इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होती ठीक है so, सो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेसिंग होता है प्रोसेसिंग बेसिकली रिलेटेड टू फार्मूलाज होता है ठीक है जब भी आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो आपको पता होना चाहिए कि इस कैलकुलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास डिसीजन है डिसीजन में हम उसको एक रेंज बता देते हैं ठीक है थीके? कि इस रेंज के अंदर हमारे जो नंबर्स हैं या जो हमारा फार्मूला है या जो जो चीज हमने प्रिंट करवानी है वो करे ठीक है जैसे हमने ग्रेड्स जो है बताए थे कि ग्रेड हम दे देते हैं सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट से एट्टी परसेंट तक एक हमने रेंज दी हुई है ठीक है उस रेंज के अंदर कौन सा ग्रेड जो भी ग्रेड उस रेंज के अंदर हमने रखा हुआ है ठीक है वो रखेंगे हम उसके अंदर तो वो प्रिंट होना चाहिए ठीक है आउटपुट क्या होता है द्लोर चर मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट ठीक है आउटपुट का मतलब यह कि अगर आपने एरिया प्रिंट करवाना है तो हमें बेस को मल्टीप्लाई करके हाइट बेस को मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ और डिवाइडेड बाय टू जो भी कैलकुलेशन आएगी वो हमारे पास क्या होगी आउटपुट आएगी ठीक है तो ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाता यूजर कभी भी कि उसने इनपुट भी ली प्रोसेसिंग भी ली डिसीजन भी बनाए और आउटपुट वो डिस्प्ले ना करे ठीक है सो तो आपने यूजर को आउटपुट या आप भी कह सकते हैं या कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है उसने ऐसा प्रोसेस ऐसे स्टेप्स को परफॉर्म करना होता है कि आउटपुट भी जो है वो यूजर को परफॉर्म करके बताए ठीक है सो so, नेक्स्ट यहां तक हम लोग जो है आपको समझ आ गया इन टॉपिक्स की ठीक है नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट सिंबल्स को ठीक है इसको आपने वीडियो लेक्चर में लाजमी देखना है ठीक है इसका ले वीडियो लेक्चर ठीक है क्योंकि जब हम फ्लो चार्ट को डिस्क्राइब करेंगे तो साथ ही हम एल्गोरिदम भी सामने रखेंगे ठीक है ताकि आपको एल्गोरिदम भी, की भी समझ आ सके और उसको हम फ्लो चार्ट में कैसे डिस्क्राइब करेंगे या उसको फ्लो चार्ट में कैसे हम ड्रॉ करेंगे ये आपको भी समझ आ जाएगी ठीक है थैंक यू सो मच